सो हाय ईच एंड एवरी वन, कैसे हो मेरे भाई लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं एक सिंपल काम बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है पर्सनल लाइफ के अंदर। जो आपके गाड़ी रखते हैं जो लोग, और उनको मतलब स्टिकर कैसे निकालते हैं गाड़ी के अंदर से, गाड़ी के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं उसको कैसे हटाते हैं, ठीक है ना। एक दो बिग बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है पर फिर भी एक काम है उसको कैसे हटाना। बहुत से भाई लोगों को डर रहता है कि यार स्टिकर हटाएंगे तो पेंट चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो मैंने सिंपल वे में आपको स्टिकर रिमूव करने का तरीका बताया है। वीडियो को जाओ और देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है ना। लाइक करो तो मैं और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों में शेयर करो, सपोर्ट करो भाई को, भाई को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक करना, ठीक है ना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, फ्री में वीडियो देख के मत जाओ, लाइक करो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अब भाई लोगों का जैसे आप आगे सपोर्ट दिखाते हो ऐसा सपोर्ट दिखाओ। और बस इतना ही कहना था, जाओ जल्दी जाओ और वीडियो देखो, ठीक है ना। और समझ में आए तो लाइक कर देना, लाइक। तो भाई लोग हम आ गए हैं हमारी नई वीडियो में स्टिकर रिमूवर को लेकर, ठीक है ना। तो स्टिकर रिमूवर के देखो, इस टाइप की गाड़ी के अंदर जो स्टिकर्स आते हैं उसको हम हटाने के लिए ये जो प्रेस करने की जो मशीन आती है ना, स्ट्रीमर समझ रहे हो ना, स्ट्रीमर से आपको स्टिकर को पहले गर्म कर देना, ठीक है ना। इसको हल्का 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 गर्म करना है। स्टीमर से गर्म करने से क्या होता है कि गाड़ी डैमेज नहीं होता है, स्टिकर भी ख़राब नहीं होता है और गाड़ी की पेंट में भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो स्टीमर की सहायता से निकाल दो, स्टीमर से स्टिकर को गर्म करते रहो, हल्के हल्के हाथ से खींचते रहो। ये है स्टीमर्स, ठीक है ना। स्टीमर्स आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप पे लेकर। और इस टाइप के जो स्टिकर्स आते हैं खत वगैरह इजी से निकल जाती है। इसके अंदर क्या है, जो ग्लू आता है ना उसको हम इस पेट्रोल से निकाल देते हैं, ठीक है ना। जो ग्लू रहता है बाद में, ये देखो, इसको पेट्रोल से हल्के हल्के हाथ से पेट्रोल थोड़ी देर लगा के रखो, दो तीन मिनट, फिर ऑटोमेटिकली अच्छे कपड़े से लेकर रफली साफ़ कर लो तो आराम से साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के स्टिकर्स हैं, ये बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं बाद में जाके, तो कलर वगैरह भी निकल जाते हैं। अगर नहीं चाहिए तो एट ए टाइम आप इस स्टीमर की सहायता से निकाल सकते हैं। बिना स्टीमर से आप डायरेक्ट खींचोगे तो पेंट निकल जाएगा, इसीलिए स्टीमर्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। स्टीमर्स नहीं है तो इस टाइप के जो हीट गन्स है, जो बफिंग मशीन है, इसको बफिंग मशीन बोलते हैं, जो हीट गन है उसकी सहायता से भी हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं। लेकिन हीट गन से आप थोड़ा भी केयरफुल रहना, क्यों, हीट गन ज़्यादा गर्म कर देता है तो आपको भी हाथ में भी जल सकते हैं, तो इसलिए करना। इस टाइप का आता है ये स्टीमर्स मशीन है, ठीक है ना। ये इस टाइप के स्टिकर्स मैंने निकाल के फेंक दिए हैं, ठीक है। तो स्टीमर आपके लिए प्रॉपर वे रहेगा, ठीक है ना, जो आपको अच्छा रहेगा। हीट गन से निकालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो चलाना तो पड़ेगा ही काम। तो हीट गन ले लो या फिर स्टीमर ले लो, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा स्टीमर की। स्टीमर से क्या है कि अच्छा रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टीमर से किसी भी टाइप का आप स्टिकर्स निकाल सकते हो, और स्टीमर से निकालने से आपको बहुत ज़्यादा ग्लू भी नहीं रहेगा, ठीक है। और ये कंपनी के जो स्टिकर्स आते हैं, इस टाइप का स्टीमर है जिसका ये पिक देख रहे हो ना, बस ये स्टीमर आता है जो आपको आराम से 700-800 रुपये में मिल जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और कुवैत वगैरह में जो लगने जाओगे तो 4-5-6-7 दिनार के अंदर मिल जाएगा। तो भाई लोग आपको समझ में आ गया कैसे रिमूवर करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। और यहीं वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। और इस तरह से काम करना है आपको इजीली होके, कोई भी बिग डील नहीं है, ठीक है। तो लाइक करो इसी के साथ है? आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।